नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर कैलेंडर का। अभी तक हमने कैलेंडर में डिस्कस किया लीप ईयर क्या होते हैं, नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, और फिर हमने डेट के अकॉर्डिंग डे निकालना सीखा। अब दोस्तों, हम कुछ आगे डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछला सब कुछ सीखा है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों पहले करेंगे, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 सितंबर 2025 को हमारा कौन सा दिन था। तो दोस्तों, हमने कल के वीडियो में सीखा था कि 8 सितंबर 2025 इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 2024। अब दोस्तों, 2024 ईयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2000 और ये 24। तो 2000 हमारा 400 का मल्टीपल है और हमने सीखा था कि सेंचुरी ईयर 100, 200, 300 एंड 400। इसमें हमारे ऑड डे क्या थे, 5, 3, 1, 0। तो दोस्तों, 400 का मल्टीपल है 2000, तो इसमें हमारे कितने आ गए ऑड डे, 0। अब दोस्तों, 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 6 टाइम हमारा कम्प्लीटली चला जा रहा है, तो हमारे 6 लीप ईयर हो गए। और बाकी जो रिमेनिंग बचा हमारा 18, वो नॉर्मल ईयर हो गए। और दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखा था कि लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डे होते हैं, तो हमारा 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 6 लीप ईयर में हमारे 12 ऑड डे। और एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है और 18 नॉर्मल ईयर में हमारे 18 ऑड डे हो गए। अब दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या प्रोसेस था कि इसमें हम जितने मंथ हमारे बीत चुके हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और जिस मंथ का हमको डेट दिया होगा उस मंथ का सीधा डेट ले लेंगे, अब बाकी का हम ऑड डे लिखेंगे। जनवरी में हमारे 3 ऑड डे, फरवरी हमारा 2025 4 से कटेगा नहीं इसलिए 0 ऑड डे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। तो दोस्तों, अब हम इसको ऐड करेंगे हमारे जो ऑड डे दिए हुए हैं, तो ये हमारे आगे दोस्तों 27। तो अब हमारे टोटल ऑड डे कितने हो गए दोस्तों, तो हमारे टोटल ऑड डे हो जाएंगे 12 + 18 + 27, ये हो गए दोस्तों हमारे 57। अब 57 को हमारा क्या है, 57 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 57 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारा आएगा 1। तो हमारा जो ये रिमाइंडर आता है यही ऑड डे होता है, रिमाइंडर हमारा कितना बच्चा, 1। तो हमने कल सीखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी बेस पे हमने किया था कि जितना लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से हम डे को डिसाइड करेंगे। तो 0 हमारा क्या था, संडे था, 1 क्या था हमारा, मंडे, इसी तरह 6 तक हम आएंगे सैटरडे, तो हमारा 1 क्या हो गया दोस्तों, मंडे, यानी कि
25, 8 सितंबर 2025। को हमारा कौन सा दिन रहेगा दोस्तों? मंडे। अब आप डे निकालने का, आपको अगर ईयर और डेट दिया रहे तो आप आराम से डेट निकाल, डे निकाल सकते हैं, कोई भी डे निकालना रहे। और इस कोड के थ्रू जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, इस कोड के थ्रू हम बता देंगे कि हमारा कौन सा दिन आएगा। तो दोस्तों अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस में हमको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अब हम नोट करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट में हमारा क्या है, पहला हम इसमें नोट करेंगे, नॉर्मल ईयर में मतलब साधारण वर्ष। तो दोस्तों हमने पहले सीखा साधारण वर्ष में कितने दिन होते थे, 365 दिन होते थे। तो नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन। इस नॉर्मल ईयर में हमारा प्रथम दिन फर्स्ट डे और लास्ट डे मतलब पहला दिन और आखिरी दिन एक समान होंगे, मतलब हमारा क्या हो गया दोस्तों, अगर हमारा नॉर्मल ईयर में फर्स्ट जनवरी अगर हमारा मंडे को पड़ता है तो 31 दिसंबर हमारा मंडे को पड़ेगा। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं दोस्तों, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट जनवरी 2010 अगर संडे पड़ता है तो 31 दिसंबर दो हजार दस हमारा संडे पड़ेगा। अब दोस्तों हम दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे, दूसरा हमारा फैक्ट क्या है दोस्तों, लीप ईयर में, अभी तक हमने नॉर्मल ईयर का देखा, अब लीप ईयर का देखेंगे। लीप ईयर में हमारे दोस्तों कितने दिन हमने बताया था, 366 दिन होते हैं और इसमें ऑड डे हमारे दो होते हैं। लीप ईयर में प्रथम दिन या दोस्तों फर्स्ट डे एंड लास्ट डे अंतिम दिन में एक का अंतर होता है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोई लीप ईयर, जैसे फर्स्ट जनवरी 2012 अगर ये पड़ रहा है हमारा दोस्तों मंडे तो 31 दिसंबर 2012 ये हमारा पड़ेगा दोस्तों ट्यूसडे, उससे एक दिन आगे हो जाता है दोस्तों। नॉर्मल ईयर में हमारा क्या था, सेम डे था, और लीप ईयर में क्या हुआ, एक दिन आगे हो गया दोस्तों। अब तीसरा हम फैक्ट हम नोट करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसे तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एक लीप ईयर में और हमारा के बाद अगर एक नॉर्मल ईयर आता है तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में हमारा क्या होगा दोस्तों, दो का डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या, अगर फर्स्ट डेट ऑफ हमारा लीप ईयर टू फर्स्ट डेट ऑफ नॉर्मल ईयर, इसका मतलब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों, लीप ईयर में हमारा अगर फर्स्ट जनवरी 2016 अगर मंडे को पड़ रहा है
नॉर्मल ईयर हमारा जो आएगा उसमें प्लस टू हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट जनवरी 2017 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों वेडनेसडे। अब इसका ये ए पॉइंट हुआ। अब दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट का बी पॉइंट हम नोट करेंगे। तो दोस्तों हमारा बी पॉइंट होगा, दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, नॉर्म लीप ईयर के बाद हमारा नॉर्मल ईयर आ रहा था। अगर नॉर्मल ईयर के बाद हमारा लीप ईयर आए तो हमारा उसमें एक दिन का और ऐड हो जाता है। जैसे फर्स्ट डेट ऑफ नॉर्मल ईयर टू फर्स्ट डेट ऑफ लीप ईयर, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी 2015 हमारा संडे पड़ रहा है, तो 1 जनवरी 2016 हमारा मंडे पड़ेगा। इसका मतलब क्या, ये हमारा प्लस वन हो गया, हमारा यहाँ यहाँ से यहाँ आने में प्लस वन हो गया। और जो हमारा पहला था कि वो लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर पड़े उसमें हमारा क्या हो रहा था दोस्तों, प्लस टू हो रहा था। अब दोस्तों हम चौथा अपना फैक्ट नोट करेंगे, सॉरी, कि एक नॉर्मल ईयर में वे कौन कौन से महीने हैं जिनके फर्स्ट डेट के दिन हमारे सेम होंगे। जैसे हम लेते हैं नॉर्मल ईयर और एक साइड लेते हैं हम लोग लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में हमारा क्या होगा दोस्तों, वे कौन कौन से महीने होंगे, वे महीने जिनके प्रथम दिन या फर्स्ट डे एक समान होंगे। और यही चीज हम लीप ईयर में करेंगे, वे महीने जिनके प्रथम या फर्स्ट डे एक समान होंगे। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या होगा, ए जनवरी जनवरी और अक्टूबर, के फर्स्ट डेट, अगर 1 जनवरी को हमारा मंगलवार या ट्यूसडे पड़ रहा है तो 1 अक्टूबर को उस ईयर में ट्यूसडे ही पड़ेगा। इसी तरह बी हमारा क्या है दोस्तों, फरवरी मार्च और नवंबर, इसमें हमारा क्या है दोस्तों, फरवरी मार्च और नवंबर इनके प्रथम दिन सेम होंगे। जैसे 1 फरवरी 1 मार्च और 1 नवंबर, ये हमेशा अगर 1 फरवरी को हमारा वेडनेसडे पड़ रहा है तो 1 मार्च को हमारा वेडनेसडे पड़ेगा, 1 नवंबर को हमारा वेडनेसडे पड़ेगा। ये नॉर्मल ईयर के लिए हो रहा है दोस्तों। इसमें तीसरा हमारा कौन कौन सा मंथ आएगा दोस्तों, अप्रैल और जुलाई। अगर 1 अप्रैल को सैटरडे पड़ रहा है तो 1 जुलाई को ही सैटरडे ही पड़ेगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर के लिए है। चौथा दोस्तों डी हमारा है सितंबर और दिसंबर। सितंबर और दिसंबर में हमारे अगर 1 सितंबर को हमारा वेडनेसडे पड़ता है तो 1 दिसंबर को हमारा वेडनेसडे ही पड़ेगा। ये हमारे दोस्तों थे नॉर्मल ईयर के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें लीप ईयर के लिए। तो दोस्तों लीप ईयर में हमारा पहला आएगा
जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई। दोस्तों अगर हमारा लीप ईयर है, जैसे 2016, 2020, 2024, 2028, जो 4 से कट जाते हैं पूरी तरह से, अगर उस तरह के हमारे ईयर हैं, लीप ईयर हैं, तो उनके जनवरी और अप्रैल और जुलाई, उनके ये 3 महीनों के फर्स्ट डे सेम होंगे। इसी तरह फरवरी और अगस्त, इनके भी फर्स्ट डे सेम होंगे। और तीसरा हमारा है दोस्तों मार्च और नवंबर। और चौथा हमारा आएगा दोस्तों सितंबर और दिसंबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सितंबर और दिसंबर हमारा नॉर्मल ईयर है चाहे लीप ईयर रहे, दोनों में कॉमन है। बाकी सब हमारा कॉमन नहीं है, सिर्फ सितंबर और दिसंबर हमारा नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कॉमन है। तो दोस्तों इससे हमारा क्या लाभ होता है कि जैसे किसी मंथ का हमारा दे दिया 1 जनवरी को मंगलवार या ट्यूसडे पड़ रहा है, तो उस ईयर के 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको कैलकुलेशन या कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अगर हम ये चीज़ याद रख लेंगे, अगर वो हम देख लेंगे, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर है तो उसमें डायरेक्ट हम कह देंगे 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 अक्टूबर को दिन होगा। तो हमारा हमको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे हम आंसर टिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इस हमारा है इनमें कौन सा लीप ईयर है। तो दोस्तों हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, 2018 सेकंड ऑप्शन है, 2026 थर्ड ऑप्शन है, 2044 और लास्ट ऑप्शन है आल। दोस्तों हमने सीखा था कि कैसे लीप ईयर निकालते हैं। सबसे पहले 2018 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें हमारा दोस्तों रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ऑप्शन गलत है, ये लीप ईयर नहीं है। तो हम सेकंड वाले पे आएंगे दोस्तों, इसमें भी दोस्तों हमारा 2 रिमेनिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। तो हम थर्ड वाला केस अब देखेंगे, इसमें हमारा रिमेनिंग रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, लीप ईयर। यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसमें हम आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2044, 2044 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो दोस्तों हमने आज क्या क्या सीखा कि हमारे कौन कौन से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट सीखे, और हमने जो कल पढ़ा था उसमें हम डेट कैसे निकालते हैं ये सीखा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नए अलग नए क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।